कुछ दिनों से अपन लोग प्रभु यीशु की शिक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु ने शिक्षाएं भी काफी दी। जब वे 30 साल के हुए तब प्रभु सेवा कार्य के लिए निकल पड़े थे और उन्होंने लगभग 3.5 साल तक सेवा का कार्य किया था। सुबह से शाम तक रोगियों को चंगा करने, भूखों को तृप्त करने, हर एक व्यक्ति की मदद करने और उन लोगों को मुख्य रूप से शिक्षा देने में प्रभु ने समय बिताया। साल के 365 दिन प्रभु व्यस्त रहते थे। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 365 दिन के हिसाब से जब प्रभु ने 3.5 साल शिक्षाएं दी तो कितने हजारों लेक्चर्स या क्लासेस हो गए होंगे। उनमें से चुने हुए या चुनी हुई कुछ शिक्षाएं प्रभु के वचन में हमको लिखित रूप में मिलती हैं, जो प्रभु के 4 अनुयायियों ने हमको दी थी। इनमें प्रभु के अभिन्न अनुयायी मत्ती नामक व्यक्ति ने प्रभु की एक शिक्षा का सारांश हमको दिया है। बहुत सारी शिक्षाओं का सारांश दिया है, जिसमें से एक जिसका अध्ययन अपन लोग इन दिनों कर रहे हैं। हजारों लोग जब प्रभु की वाणी सुनने के लिए एकत्रित हुए तो उस जमाने में जब ना तो माइक होता था ना बिजली होती थी, लोगों का तरीका था कि एक पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़कर वहां से जोर से लेक्चर देते थे। तो पहाड़ी के नीचे जो लोग खड़े थे उन सब तक आवाज पहुंच जाती थी। प्रभु ने इस तरह से जो शिक्षा दी उसको, चूंकि उन्होंने एक पहाड़ के ऊपर से ये शिक्षा दी थी इसलिए पर्वतीय उपदेश कहलाता है। और पर्वतीय उपदेश के कई हिस्सों का अध्ययन हमने पिछले हफ्तों में देखा था। प्रभु ने जो शिक्षाएं दी उनको हम आगे देखेंगे। मत्ती नामक पुस्तक के 5वें अध्याय के 21वें पद में हम पढ़ते हैं, मत्ती 5:21, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। प्रभु यहूदी लोगों को शिक्षा दे रहे थे। यहूदी लोगों को प्रभु ने स्वयं लिखित रूप में प्रभु का वचन दिया था। वचन मतलब उसमें से कुछ पोर्शन लिखित रूप प्रभु ने लिख कर दिया था, जिसको 10 आज्ञाएं बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सारी आज्ञाएं प्रभु ने अपने दास, महान दास मूसा के द्वारा दी थीं। तो यहूदियों का एक लिखित संविधान था, जिस तरह से भारत का लिखित संविधान है। उस संविधान में बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा गया था कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचाए। यदि एक व्यक्ति दूसरे की आंख फोड़ देता है तो जो जज है या न्यायी है यह उसकी जिम्मेदारी है कि इसकी आंख भी फोड़ दें। बहुत ही कड़ी व्यवस्था उस जमाने में दी गई थी। वो जो कड़ी व्यवस्था दी गई थी, उस कड़ी व्यवस्था के साथ उसमें जो कई बातें कही थी उनमें से एक है लालच मत करना, दूसरे की संपत्ति का लालच मत करना, उसके परिवार में जो है उसका लालच मत करना, बहुत सारी बातें कही गई थी। दूसरे के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना बहुत कड़ाई से कहा गया था। उसमें ये बात भी बताई गई थी या कही गई थी, तुम हत्या मत करना। वो शिक्षा जो प्रभु के वचन पवित्र बाइबल में मिलती है वो संसार के सभी पुराने जितनी संस्कृतियां हैं, जितने पुराने धर्म हैं, सब में ये शिक्षा मिलती है, हत्या पाप है। और किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को दूसरे की हत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि पवित्र बाइबल का जो पूर्वार्ध है
उसमें शुरू के जो पांच पुस्तक महान नायक मूसा के द्वारा लिखे गए थे उसमें तो ये साफ लिखा हुआ था कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे की हत्या करता है तो जज या न्यायी उसको मृत्यु दंड दे। तो यदि कोई हत्या करता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु का समय आया तब प्रभु अपने अनुयायियों को ये बात बताना चाहते थे कि हजारों साल प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मनुष्यों को जो शिक्षा दी है उसके कारण मनुष्य पुराने जमाने की तुलना में अब और अधिक हर बातों को समझने लगा है, हर बात को साफ साफ समझने लगा है। प्रभु ये भी कहना चाहते थे कि देखो मेरे बच्चों, तुम लोग अब एक नए युग में जी रहे हो। मैं इस संसार में आया, मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए बलिदान के रूप में दे रहा हूँ, तुम्हारे सामने एक नमूना रख रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं तुमको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि एक नई व्यवस्था, एक नया कानून आ रहा है या आ गया है, इसलिए कि अब एक नया युग है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। कचहरी मीन्स कोर्ट, ठीक है। प्रभु यीशु के आने के पहले व्यवस्था यह थी कि यदि कोई भाई की हत्या करेगा तो उसको कचहरी में, कोर्ट कचहरी में खींच के ले जाना है। प्रभु के आने के बाद व्यवस्था यह हो गई कि यदि कोई अपने भाई के ऊपर क्रोध करे तो वो कचहरी में दंड के योग्य है, कचहरी में ले जाने के योग्य है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जीने के लिए एक नई व्यवस्था दी गई है और उस नई व्यवस्था के अनुसार जो लोग जीते हैं उनको अपने जीवन में बहुत अधिक आत्मनियंत्रण का पालन करना चाहिए, स्वयं नियंत्रण करना चाहिए। मुंह से अपने भाई से उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी है। प्रभु ये मानकर चल रहे हैं कि जो लोग सुन रहे हैं ये प्रभु के शिष्य या अनुयायी है या हो जाएंगे। जो प्रभु यीशु का अनुयायी है उसके लिए प्रभु ने ये जो नई व्यवस्था दी है उस नई व्यवस्था के अनुसार सिर्फ अपने भाई से क्रोध करना कचहरी में ले जाने के लिए पर्याप्त है। आगे लिखा है जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। उन लोगों का सिस्टम था यदि कोई आदमी गलती करता है तो उसको एक जज के सामने ले जाते थे, लेकिन यदि गलती बहुत गंभीर हो तो एक जज से काम नहीं चलता था, पूरी महासभा के सामने उसका दंड होता था, ठीक है। और यदि कोई कहे अरे मूर्ख तो वह नरक की आग के दंड होगा। क्रोध करे तो कचहरी में ले जाने के लायक होगा, यदि अपने भाई को निकम्मा कहेगा तो महासभा के सामने, और यदि कोई अपने भाई को मूर्ख कहे तो वो नरक के दंड के योग्य होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु संसार में पधारे और प्रभु ने अपना जीवन सूली पर मेरे आपके लिए बलिदान के रूप में अर्पित किया। इस बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमको एक नया जीवन दिया है। उस नए जीवन के साथ साथ प्रभु ने हमको एक नया नमूना दिया है। इन दोनों चीजों को याद रखें। प्रभु के संसार में आने से पहले ये सारी बातें भविष्यवाणियों में लोगों को पता थी, लेकिन जब एक बार प्रभु संसार आ गए तो उसके बाद प्रभु ने जो दो कार्य किए वो हम में से हर व्यक्ति को समझना चाहिए। नंबर वन, प्रभु ने अपना जीवन सबके लिए कुर्बान कर दिया। किसके लिए कुर्बान किया? यूहन्ना 3:16 हमको ये बात बताता है, क्योंकि प्रभु ने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को संसार में भेजा
तो अब हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इतिहास इस बात का गवाह है कि संसार के प्रति ईश्वर के प्रेम के कारण उन्होंने प्रभु यीशु को संसार में भेजा, मनुष्य रूप धारण करके वे पृथ्वी पर आए और सूली पर उन्होंने अपने जीवन मेरे आपके सबके लिए दे दिया। तो इस बात को हम ना भूलें कि यदि प्रभु इस दुनिया के निकम में पापी लोगों से प्रेम कर सकते हैं तो मुझे और आपको अपने भाई बहनों से कितना अधिक प्रेम करना चाहिए। इस बात को जरा मैं विस्तार से समझाऊं। प्रभु ने संसार से प्रेम किया या परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, इसका क्या मतलब है? संसार में सभी लोग धर्मी हैं क्या, पवित्र हैं क्या, निष्पाप हैं क्या, निष्कलंक है क्या? जी नहीं। संसार में हम जानते हैं बच्चों को बिना सिखाए बच्चे झूठ बोलने लगते हैं, बिना सिखाए बच्चे दूसरों की पेंसिल कॉपी चोरी करके ले आते हैं। तो संसार के लोग अपने आप धर्मी नहीं हैं, पवित्र नहीं हैं। ऐसे पापी और अधर्मी अपवित्र लोगों से प्रभु ने प्रेम किया और अपने एकलौता पुत्र दे दिया। तो जब पापी और अशुद्ध लोगों के लिए प्रभु ने अपना जीवन दे दिया तो प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जिनके लिए जीवन दिया गया उन लोगों के साथ हमारा व्यवहार सही होना चाहिए। यहाँ भाई शब्द का उपयोग किया गया जिसका मतलब है कि वो हमारे या तो हमारे सांसारिक परिवार का अंग है या इस बात की संभावना और अधिक है कि वो हमारे आत्मिक परिवार का अंग है। आत्मिक परिवार का अंग है तो उसका मतलब है प्रभु ने उसके लिए जीवन दिया, प्रभु ने मेरे लिए अपना जीवन दिया, उसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया और हम सब प्रभु के शरीर के अंग हैं और इस कारण हमें एक दूसरे के साथ जब हम व्यवहार करते हैं ये सोचकर व्यवहार करना चाहिए कि हम सब प्रभु यीशु के परिवार के अंग हैं, प्रभु यीशु के शरीर के अंग हैं और इस कारण मैं अपने भाई से यदि क्रोध करता हूँ तो ऐसे व्यक्ति से क्रोध कर रहा हूँ जिसके लिए प्रभु ने अपना जीवन सूली पर बलिदान के रूप में दिया। इसलिए प्रभु ने तीन बातें बताई, जो भाई से क्रोध करेगा वो कचहरी में ले जाने की योग्य होगा, जो उससे ज्यादा कठोरता से अपने भाई के साथ बोलेगा महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो अपने भाई को मूर्ख बोलेगा वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। आज जरा इस बात को हम सोचें। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग एक या अनेक सांसारिक परिवारों के अंग हैं। अनेक मैंने इसलिए किया कहा, कई बार गांवों में हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं वो संयुक्त परिवार होता है, ना केवल माँ बाप होते हैं, दादा दादी भी होती हैं, चाचा चाचियाँ भी होती हैं, बुआ फूफा भी होते हैं, सब लोग होते हैं, अनेक परिवार एक ही जगह रहते हैं। उस परिवार में हमारा जन्म होता है, पालन पोषण होता है। कई बार सब लोग एक घर में नहीं रहे लेकिन अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। जो शादीशुदा है वो लोग जानते हैं कि कम से कम दो परिवारों से उनका संबंध, एक उनका अपना परिवार, एक पत्नी का परिवार। तो जब प्रभु का वचन कहता है कि अपने भाई से क्रोध मत करना तो इस बात को हम याद रखें कि भाई शब्द के अंतर्गत ये सब लोग आ जाते हैं। उन लोगों से हमारा व्यवहार हमको बहुत सोच के करना चाहिए, ये सोचकर करना चाहिए कि मैं क्या हूं, विशेष रूप से मैं क्या हूं। अच्छा जरा ये बताइए, अपन बसों में यात्रा करते हैं, बसों में जब यात्रा करते हैं तब 50 प्रकार के लोग दिखते हैं। कुछ लोग बस में चढ़ते हैं तो बस में जब से वो चढ़ते हैं तब से चिल्लपों उनकी बातचीत शुरू हो जाती है, बंद ही नहीं होती है। किसी देश का राष्ट्रपति यदि किसी वाहन में यात्रा कर रहा हो तो वो इस तरह से बात करेगा क्या? नहीं,
किसी कॉलेज का प्रिंसिपल हो या कोई प्रोफेसर हो, वो बस में यात्रा करेगा तो वो इस तरह से बात करेगा क्या? नहीं, वो अपने पोजीशन को, अपने ओहदे को याद रखता है और उस हिसाब से बात करता है। आज प्रभु का वचन इस बात को याद दिलाता है कि आप और मैं जब इस आत्मिक परिवार में हमने जन्म लिया है तो हम सबको एक आत्मिक पोजीशन दिया गया है, एक आत्मिक ओहदा दिया गया है, उस पोजीशन के हिसाब से हमारी बातचीत होनी चाहिए। परिवार, घर परिवार में भी ऐसा ही होता है, छोटे बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बस बातचीत शुरू हो जाती है, मैं गया था स्कूल, मैंने वो देखा ये देखा। घर के जो बुजुर्ग है वो इस तरह से बात करते हैं क्या? नहीं करते। इसी तरह से घर में हमको जो पोजीशन दिया गया है, हमारी बातचीत उस तरह की होनी चाहिए। जब हम अपने भाई से बात करते हैं, हो सकता है भाई ने कोई गलत काम किया हो सकता है भाई ने हमारा अपमान किया हो सकता है भाई ने हमको लूटा हो सकता है कि उसने हमको दर्द पहुंचाने वाली बात कही हो या दर्द पहुंचाने वाला कर्म किया हो, लेकिन इस सब के बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या हैं। और इसलिए जब हम अपने भाई से बात करते हैं तो उस हिसाब से हमको बात करना चाहिए। ये है प्रभु के वचन में हमने जो बात कही। इसके पहले एक बात प्रभु ने कही जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पांचवें अध्याय के 16वें पद में लिखा हुआ है। इसी अध्याय के 16वें पद में, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हमारा उजियाला संसार में चमकना चाहिए, इसका क्या मतलब है? आप खुद जानते हैं, किसी भी समूह में, मान लीजिए किसी पार्टी में गए, किसी मीटिंग में गए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आते हैं तो सबको बड़ी खुशी होती है। हिंदी में कहावत है ना, आप आए बाहर आई। तो ऐसे कई लोग हैं जो किसी सभा में पहुंच जाते हैं तो उनके पहुंचने के कारण वहां काफी खुशी और आनंद होता है। प्रभु के कहने का मतलब यह है कि हम जब अपने भाई बहनों के बीच में बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस तरह से चमके कि वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई करें। इसका क्या मतलब है? आपने बच्चे देखे होंगे, तमाम तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को देख के एकदम से लगता है कि अरे बाप रे, ये किस परिवार का बच्चा है, इसके माँ बाप ने इसको कितनी अच्छी शिक्षा दी है, तालीम दी है। मुझे पिछले दिनों ये महसूस हुआ, मुझसे मिलने के लिए एक सज्जन आए, मैंने दरवाजा खोला, उन्होंने हाथ बढ़ा के प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, मतलब प्रभु की स्तुति हो, तो मैंने उनसे हाथ बढ़ा के शेक हैंड किया और बोला प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। 3 साल का बच्चा, मुझे लगा 5 साल का होगा, बाद में पूछा तो पता चला 3 साल का बच्चा है। 3 साल का बच्चा जो उनके सामने गेट पे आके खड़ा हुआ, उसने भी हाथ बढ़ाया, मैंने हाथ बढ़ा के हेलो कहा तो उसका जवाब था प्रेज द लॉर्ड, मतलब प्रभु की स्तुति हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस बच्चे को उसके पिता ने और माँ ने इस तरह से ट्रेनिंग दी है कि जिस तरह से उसके पिताजी दूसरों का अभिनंदन करते हैं, वो बच्चा भी उसी तरह से प्रभु के नाम की स्तुति करते हुए दूसरे का अभिनंदन करता है। इस तरह के बच्चे को देखते हैं तो मनी मन बड़ी खुशी होती है कि माँ बाप ने कितनी गजब की तालीम दी है। मैंने इसके पहले कई बार आपको बताया है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ, मैंने अध्ययन का काम हर लेवल पर किया है, स्कूल में भी किया है, यूनिवर्सिटी लेवल में भी किया है। एक चीज जो हमेशा मैं देखता था, मेरा विषय फिजिक्स है, फिजिक्स में लैबोरेटरी होती है, लैबोरेटरी में आके बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं,
मैं जब पढ़ाता था उस समय ये प्लस टू का सिस्टम नहीं था वहाँ मध्य प्रदेश में, 11 क्लास होते थे, 10th में भी प्रैक्टिकल होता था, 11th में भी प्रैक्टिकल होता था। काफ़ी बड़ा जो लैब था उसमें दर्जनों टेबलें फैली पड़ी रहती थी, हर टेबल के ऊपर अलग अलग इक्विपमेंट रखा है, जिस जिस को जो एक्सपेरिमेंट मिलता है वो उस टेबल पर जाकर एक्सपेरिमेंट करता है। एक चीज मैंने नोट किया, कुछ बच्चे आते हैं तार वगैरह लेके कनेक्शन वगैरह करते हैं और जैसे ही पीरियड खत्म हुआ उसको वैसा का वैसा छोड़कर चले जाते हैं, उनको वैसा नहीं मिला था, सारे तार अलग रखे हुए थे, कम से कम भैया उसको खोल खाल के जाओ यहाँ, नहीं तो कौन उसको खोलेगा खालेगा, नहीं कुछ लोग उसको ऐसे ही छोड़ के जाते थे। कुछ लोग क्या करते थे, क्लास खत्म होने वाला है उसके ठीक 5 मिनट पहले वो सब खोल के डाल जाते थे सब, लेकिन डाल जाते थे सारे तार एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं। 20 में से एक विद्यार्थी या विद्यार्थिनी ऐसा होता था जो टाइम खत्म होने से 5 मिनट पहले सारे तारों को खोलकर सीधा करके, क्योंकि जब अपन कनेक्ट करते हैं टेढ़े हो जाते हैं, सीधा करके बहुत ही क्रम से पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन रख के जाते थे। पहली बार जब मैं टीचिंग में पहुंचा तो पहले दिन सब लोग ऐसे ही छोड़ गए, दूसरे दिन अगला बैच आया सब लोग ऐसे ही छोड़ गए, तीसरे दिन एक तीसरा बैच आया, एक्सपेरिमेंट के बाद सब लोग चले गए तो जो लैब असिस्टेंट है उसने मुझे बुला के बताया कि देखिए सर ये टेबल देखिए, वहाँ जिस बच्ची ने एक्सपेरिमेंट किया था ना केवल उसने सारे तार खोले, उसने सबको सीधा किया और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रख के गई थी, वहाँ से 2 टेबल उस तरफ, एक लड़के का दिखाया उसने भी बिल्कुल इस तरह से किया था। मुझे खुद लगा कि कौन बच्चे हैं। अगले दिन मैंने उन बच्चों को अपने पास बुलवाया, पूछा तुम्हारे पापा क्या करते हैं बेटा, तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं। मन में बड़ी खुशी हुई, क्यों खुशी हुई, उनका व्यवहार दूसरों से अलग था, उस व्यवहार के द्वारा उन्होंने मुझ अध्यापक का दिल जीत लिया। प्रभु का वचन यही तो कहता है, मैं और आप प्रभु के बच्चे हैं और संसार में जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं उस व्यवहार के द्वारा तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मैंने उन माँ बाप की बड़ी तारीफ की जो अपने बच्चे बच्चियों को इस तरह से शिक्षा देते हैं। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि मेरे और आपके पिता की प्रशंसा करें, इस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए। वहां एक चीज और लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि संसार के लोग, उनका एक ढर्रा है, बस उस हिसाब से व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरे को रोशनी दिखाएं, रोशनी दें। वो गुस्सा हो तो हम उसको शांत करें, वो दुखी हो हम उसको सांत्वना दें, वो यदि मन में डरा हुआ हो तो हम उसको हिम्मत बंधाएं, इस तरह से उसके जीवन में हम रोशनी पहुंचाएं। ये है प्रभु के कहने का मतलब। तो आज संध्या को मैं प्रभु के वचन से ये बात याद दिलाना चाहता हूं, प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, प्रभु ने हमको ऐसा मौका दिया, हम में से कई लोग प्रभु यीशु को पहचान कर उनकी शिक्षा के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु के द्वारा हमने एक नया जीवन पाया है। अब सवाल यह है कि हमने जो नया जीवन पाया है, इस नए जीवन की रोशनी दूसरे लोग देख रहे हैं क्या? आज संध्या को मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। आप जिस तरह से अपने साथियों से बोलते हैं उसको सुनकर आपके साथियों को लगता है क्या कि अरे ये तो
इसका तो स्वभाव बहुत अलग है, क्या कारण है? जब आपके साथी लोग सत्संग में जाने के बदले उल्टा सीधा काम करने के लिए हंसी तमाशे में टाइम वेस्ट करने के लिए या किसी तरह का नशा करके समय वेस्ट करने के लिए बुलाते हैं, तब उनके सामने आपका क्या व्यवहार होता है? एक तो ये हो सकता है कि उनके साथ चले जाएं, तो फिर अंधेरे में और रोशनी में क्या फर्क। दूसरा ये हो सकता है कि नशा मैं नहीं करूंगा। अरे खामोखा आप उस आदमी के सर पे चढ़े जा रहे हैं, आपको नहीं करना है तो हट जाएं। तीसरा व्यक्ति वो होता है जो कहता है कि अच्छा भाई एक बात बताओ, अपन घर बार को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर आकर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, ये मेहनत करते हैं जिससे कि चार पैसा बन जाए, जिससे कि हम जिस घर बार को छोड़कर आए हैं वहां लोगों को तसल्ली हो, तो भैया ये नशा वगैरह करोगे तो कितना पैसा बर्बाद होगा, इतने इन्हें आपस में यदि गाली गलौज करोगे मारपीट हो जाएगी, लफड़ा और हो जाएगा, परेशानी और हो जाएगी। जब एक व्यक्ति, तीन तरीके से मैंने बोला आपको, और भी तरीके हैं जिससे जिसके द्वारा लोगों को जवाब दिया जा सकता है, जब इस तरह से आप उस व्यक्ति के जीवन में रोशनी डालेंगे तब आपकी बातचीत में आपके द्वारा आपके जीवन में वो रोशनी देखेगा, वो इस बात को समझेगा कि आपके जीवन में प्रभु कार्य करते हैं, आपके जीवन का नियंत्रण प्रभु के हाथ में है। और जब वे ये समझेंगे कि आपका जीवन प्रभु के नियंत्रण में है और इस कारण आपका व्यवहार ऐसा है, तो वो फिर उस हिसाब से आपको देखेंगे। ना केवल आपको देखेंगे, वो भी चाहेंगे कि मेरे जीवन में भी इस तरह की रोशनी आ जाए। ये है जो प्रभु का वचन कहता है, मनुष्यों के सामने तुम्हारी रोशनी ऐसे चमके कि वे लोग प्रभु को, तुम जिस प्रभु के अनुयायी हो, उस प्रभु के नाम की महिमा करें, मतलब प्रभु की तारीफ और प्रशंसा करें और यह कहें कि मैं भी उस प्रभु का अनुयायी बनना चाहता हूं। तो आज जो बात मैंने कही वो हमारे हर व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। भाइयों से बात करें तो इस तरह से बात करें कि गुस्से का जवाब गुस्से से देने के बदले गुस्से का जवाब ज्ञान के साथ दें, बुद्धि के साथ दें, जिससे कि आपके जीवन में जो प्रकाश है उसको देखकर वे लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न ये भी है, ये रोशनी आपने पाई है क्या? शायद आप पूछेंगे शास्त्री सर कैसे ये रोशनी पा सकते हैं? उसका तरीका बहुत ओपन है। मनुष्य पापी है, इसीलिए तो बच्चे को कुछ नहीं सिखाना पड़ता, वो सारे गलत कर्म अपने आप करता है। पापी को पाप से बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्य रूप में पधारे। 33 साल की उम्र में उन्होंने सूली पर अपना जीवन मेरे आपके पापों के लिए बलिदान के रूप में दिया। उनको दफना दिया गया, दफनाने के 3 दिन और 3 रात बाद वे पुनर्जीवित हो गए और उन्होंने कहा बच्चों मेरे पास आओ, देखो मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए बलिदान के रूप में अर्पित किया और वो बलिदान सफल रहा, इसलिए मैं पुनर्जीवित हो गया। आज संसार में जो लोग परेशान हैं, जो पाप के बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आओ, मैं तुमको पाप क्षमा दूंगा, मैं तुमको मुक्ति दूंगा, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आज से 60 साल पहले इस बात को समझकर मैंने प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रभु से याचना की कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि आपने सूली पर मेरे लिए अपना जीवन दिया, मैं आज आपको मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। उस समय मेरे जीवन में क्षमा मिली, मुक्ति आई, एक नई खुशी मिली और वो खुशी आज भी मेरे साथ है। और आज संध्या यदि मैं आपके सामने खड़े होकर ये संदेश दे रहा हूँ तो इसका एकमात्र कारण यह है कि मेरे जीवन में वो खुशी है और मैं चाहता हूं कि वो खुशी आपके जीवन में भी आए। यदि सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आज तक ये खुशी नहीं पाई है तो आज हम में से किसी से बात कीजिए,
जो हम में से कोई ना कोई व्यक्ति जिससे आप बात करेंगे, हम आपको ये सारी बातें क्लियरली बताएंगे। दो बातें इसलिए मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। पहली बात यह, मेरे प्रिय भाई, यदि आपने प्रभु यीशु के द्वारा, भाई बहन, यदि आपने प्रभु यीशु के द्वारा नए जीवन पाया है, तो आपकी वाणी से ही वो स्पष्ट होना चाहिए कि आपने नए जीवन पाया है। आपकी वाणी के द्वारा लोग आपके जीवन में प्रभु का प्रकाश देख सकें। नंबर दो, यदि प्रभु के द्वारा आपको यह नया जीवन नहीं मिला है, तो इस बात की उपेक्षा ना करें, हम में से किसी से बात करके प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें।